ये डिफेंस एक्सपो चला है अभी अभी चल रहा है, इनॉगरल डे है 5 फरवरी 2020 लखनऊ में, जो हर दो साल पे होता है डिफेंस एक्सपो। और इसमें खास करके अपने डिफेंस सिस्टम इंडिया का जो होता है उसको जागरूक किया जाता है पब्लिक को, और बाकी देश के जो नेता आते हैं यहाँ पे, खास करके डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक्सपोजिशन होता है हाउ टू डील। अभी थोड़ी देर पहले एयर शो हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री जी बैठे थे, तो उन्होंने खास करके पूरा दिखाया गया, तेजस के बारे में शो दिखाया गया। 5 फरवरी को है ये लखनऊ का वृंदावन योजना एरिया में, और काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया है। मुख्यमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री जी थे, अपने राजनाथ सिंह साहब डिफेंस मिनिस्टर के अगुवाई पे सारा प्रोग्राम लखनऊ में आयोजित हुआ है। और वन ऑफ द टॉप प्रोग्राम्स ऑफ डिफेंस, डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री बिकॉज खास करके अपने सारे सारे देश दोस्त देश नहीं हैं, उनको दुश्मन देश नहीं बोलूँगा लेकिन दोस्त देश नहीं है, इसलिए अपने को प्रिपेयर करने के लिए कि आगे किस तरह की कोई प्रोग्राम कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए कंट्री का डिफेंस जितना मजबूत होता है उतने ही अपना LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल्स हैं, जो अपने बॉर्डर्स हैं वो कंट्रोल रहते हैं। इसी के मार्फत मैं बाई चांस आई वॉज इन्वाइटेड टू आई एम हेयर डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल एंड आई हैड अपॉर्चुनिटी टू सी द एयर शो sit just behind the Prime Minister where the air show was being done, inaugural program of Defense Expo on 5th of February. So यहाँ पे तेजस के खास करके इन्होंने जो यहाँ पे जो दिखाया वो तेजस जो हवाई जहाज जो फ्लाइटर प्लेन है जो अभी इंडिया ने डेवलप किया है उसके बारे में खास करके तकनीकी और उसका शो देखा, दैट वॉज अ ग्रैंड शो। सो आई एम डॉक्टर विवेक गुप्ता वंस अगेन फ्रॉम लखनऊ शोइंग अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिफेंस एक्सपो। इज अ ह्यूज ह्यूज पवेलियन, दिस वॉज इनॉग्रल पवेलियन एंड इसमें इनाग्रेशन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है दोपहर को 2 बजे। दूसरी तरफ फूड कोर्ट हैं, डिफरेंट एक्सपोजिशन एरिया है, मेरे ख्याल से कम ये 100 एकड़ एरिया में वृंदावन योजना जो कि तेलीबाग रोड लखनऊ में है 5 फरवरी से 7 फरवरी तक ये आयोजित प्रोग्राम में काफ़ी लोग आनंद ले रहे हैं। प्रोग्राम अभी समापन पे है द इनॉग्रल प्रोग्राम, और 2 दिन का एग्जीबिशन ही चलेगा। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि डिफेंस के बारे में जितना इंडिजिनस हो जाए कंट्री उतना अच्छा है। इंडिजिनस का मतलब है कि वी डोंट हैव टू इंपोर्ट द वेरियस एयरक्राफ्ट्स फाइटर प्लेन्स और बाकी जो टॉप हैं, ये सब जितना अपना बनेगा उतना अच्छा रहेगा। और अभी तो कुछ यहाँ बताया गया है कि कुछ ऐसे योजना है, इंडो रशियन योजना है जो कि अमेठी में है, जो खुद राइफल्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये बाद में एक्सपोर्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इंडिया वांट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट एज फार एज डिफेंस सिस्टम इज़ कंसर्न एंड दिस इज़ अ हाई टाइम व्हेन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दिस कैन हैपन एंड बिकॉज द लॉट ऑफ मनी इज एक्चुअली यूटिलाइज और एलोकेटेड फॉर द डिफेंस विच अदरवाइज कैन बी यूज फॉर द हेल्थ केयर और अदर ऑल अदर major infrastructures of the country and I'm here talking about the various aspect of the defense and we doing this recording and finding out everything here. So this is again from Lucknow, Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital talking about the defense areas of the world. And defense exposition is done held every 2 years and last year it was in Chennai and before that it was in Goa. So this is what rotate करती है। तो इंडिया की डिफेंस के बारे में जैसे बताते हुए मैंने आपको बताया कि अब ये इंडिजिनस प्रोग्राम के बारे में ये लोग कहना चाह रहे हैं कि इंडिया पिक शुड बिकम इंडिपेंडेंट एज फार एज और सेल्फ डिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट एज फार एज द मनी इज कंसर्न एंड देर फोर इंडिया हैज़ टू एलोकेट ह्यूज ह्यूज बजट फॉर द डिफेंस एंड दैट एक्चुअली गोज अगेंस्ट द ओवरऑल इकॉनमी। So in fact this will also help in the overall boost of the economy if the defense becomes self dependent, which is of course a far side of story, is not so easy, it will take few more years to have actually done. This is Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital New Delhi talking about the defense expo on 5th of February afternoon 5 p.m. Thank you very much for watching this video.